गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये कैप जो दिख रहा है मेरे सर के ऊपर, मैंने इसको मंगाया है, एक और बढ़िया सा कैप मंगाया, यही मतलब यही वाला कैप मंगाया है, ये काफी अच्छा है। तो फिर उसकी अनबॉक्सिंग करते है। तो देखो कितनी अच्छी पैकिंग है इसकी। तो ये रहा देखो कैप, ब्लैक कलर है इसका और ये वाली लाइन है इसमें व्हाइट कलर की, और स्पोर्ट कंपनी का कैप है, काफी अच्छा है। जो मैंने सर पर ओढ़ रखा था वो देखो ये है, इसका कलर जो है ना उतर गया, काफी टाइम से मैंने इसको लगा रखा था ना इसलिए इसका, लेकिन ये लोगो चेंज हो गया इस बार, ये अलग है और ये वाला लोगो इसका अलग है, लेकिन अच्छा लग रहा है ये भी। इसका जो कपड़ा बहुत ही अच्छा है, मतलब लगाने के बाद जो है ना पिचकता नहीं है ये सर पे, जैसे सर पे हो जाता है वैसे, और काफी हल्का लाइट वेट कैप है ये, बहुत ही अच्छा है एकदम। चारों तरफ से देख सकते हो ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और ये स्पोर्ट कंपनी का इसका लोगो है, और देखो पीछे भी एक ये लोगो मिल जाएगा आपको। बहुत ही लाइट वेट कैप है, मतलब 100% पॉलिएस्टर है, मेड इन चाइना है। और अब इसको लगाकर इसका लुक चेक करते हैं। तो इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है, देखो चारों तरफ से देख सकते हो आप इधर से, मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, ये अगर दबती है ना तो फिर कैप लगाने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, लुक अच्छा नहीं लगता उसका। यहाँ से यहाँ तक ये वाइट लाइन इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है, और ये पीछे से आप देख सकते हो चारों तरफ से, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो गाइस अगर आप भी कैप लगाने के शौकीन हो तो ऐसा कैप आप जरूर मंगाना, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे आपको अवेलेबल मिलेगा ये, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको ऑर्डर कर लेना और मंगा लेना। Ну,
कोई बड़ी सी पकड़ो। मेरे पैर में मछली लग रही है। बन निकल जाओ। मछली लग रही पैरों में मेरे बहुत। तुझे क्या हो रहा है? सिंह ने कांटा मार दिया तो। हाँ हाँ तो हाँ जो वो मारे अपनी जान को तेरे भरी पड़ी है उसमें कांटा मारे। यो है ये दिखाइए टुल्लू भैया। योरिया राहुल योरिया टिल्लू भैया तुम्हारी जड़ में योरिया यही है तो और क्या है यो यो ना है यही था एक यो है गाइस अभी पानी ज्यादा होने की वजह से जो है ना छोटी वाली काली ब्रिगेड आई है। गाइस पानी ज्यादा है ना जोड़े में तो इस वजह से अभी ब्रिगेड आई है, बड़ी वाली मछली नहीं आई। जो मतलब रहू और गिलहरीकार होता है ना वो नहीं आया अभी। जाल हमारा छोटा बढ़िया है, पानी ज्यादा था ना तो इसका मतलब एरिया बड़ा हो गया जोड़े का, तो इस वजह से अभी काली वाली ब्रिगेड आई है, वो भी छोटी वाली आई है। तो फिर नेक्स्ट बार कोशिश करेंगे कि बड़ी वाली मछली भी आ जाए। जोड़ा देख सकते हो, जोड़ा जो है काफी बड़ा है ये, और डुबान डुबान पानी है इसमें, और तहर के जाल बहुत मुश्किल से लगाया है, 7-8 बंदे लगाकर ये जाल लगाए तब इतनी छोटी छोटी मछली पकड़नी मुमकिन हुई है हमसे, वरना नहीं पकड़ी जाती है। अभी बता गई जल्दी आ देख। पता है इसके कांटे कौन से लगे हैं? ये वाले, ये जो है ना ये तो इसकी दाढ़ी मूछ है, ये जो है ना ये वाले कांटे ये मारती खींच के अंडे हो गए इसके अंदर है ना। कितनी अच्छी लग रही है, इसको जीवन दान दो। ये तो मर गई। चलो तो जी मछली को धो लिया है बढ़िया करके पकौड़ों के लिए, और देखो ये रही दो पूंछ इसकी, एक केरी और एक केरी, बड़े बड़े पीस है देखो सारे, ये रहे देखो। और मुंह इसका हमने डाला नहीं क्योंकि पकौड़ी में अच्छा नहीं लगेगा वो, तो पहले इसका बनाते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं। मछली पूरी तैयार होने के बाद जो बची है फाइनल होगी 1.5 किलो के लगभग, 1 गुड़ी लहसुन, पुदीना और हरी मिर्च भी है 7-8। तो अब डाल दे गरम मसाला, फिर डाल दे चिकन मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन डालेगी ऊपर से, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया। अब 1.5 चम्मच डाल दे नमक, 1। तो ग्लव्स पहन लिया जिससे हर मिर्च न लगे हाथों में। अब इसको करते हैं मिक्स, मिक्स मुक्स करते हैं बढ़िया करके। तो 1 नींबू डालते हैं, 1 मिक्स करते हुए टाइम बहुत अच्छे से मिक्स करना है एकदम। मिक्स कर दिया बढ़िया करके, अब इसको रख देना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए।
तो गाइस मछली के पकोड़े बहुत ही अच्छे बने, टेस्टी बने थे एकदम, और बिल्कुल 2 मिनट में चट कर गए हम सारे पकोड़े। तो इस तरह से अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो बिंदास, जो जो मसाले मैंने डाले थे वो मसाले डाल के बनाना। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से।